हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज की रेसिपी है टिंडे। आपने टिंडे तो बहुत खाए होंगे अलग अलग तरीके से, मगर जैसे मैं बना रही हूँ तो ऐसे बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। जी, मैंने टिंडे काट लिए हैं। तो ये है पुदीना, धनिया, प्याज, टमाटर और ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है। ये हमारे मसाले हैं, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर है, ये है रेड चिली, गरम मसाला और नमक। ये तड़का लगाने के लिए धनिया, जीरा और ये मेथी दाना, कड़ी पत्ता। तो हम टिंडों को ऐसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कि मैं टिंडे कैसे बना रही हूँ। तो पहले मैं टिंडों को करूँगी मैरिनेट। तो चलिए पहले हम टिंडों को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, टिंडों को मैं कर रही हूँ मैरिनेट। तो क्योंकि ये बनाना है टिंडे मसाला, तो ये सारे मसाले मैं टिंडों में डाल दूँगी। तो गाइस, एक बार ऐसे आप टिंडे बनाकर देखो तो बहुत टेस्टी बनते हैं। ये धनिया और पुदीना भी मैंने साथ में डाल दिया है। अब इसमें मैं ये पेस्ट डाल दूंगी लहसुन और मिर्च का। इसमें अब दही डाल दूंगी। तो फिर मैं इसे कम से कम 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही मैं मैरिनेट करके छोड़ दूंगी, ताकि जो मसाले है अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो गाइस, ये इतने टेस्टी बने थे टिंडे, मसाला टिंडा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, क्योंकि टिंडे बहुत बढ़िया थे। तो ये देखिए, मैंने मैरिनेट करके इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। तो अब मैं इसे 15 मिनट ऐसे छोड़ दूँगी। तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हम झोंक लगाएंगे सरसों के तेल में, तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए, सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और ये मैंने झोंक का सामान जो है वो डाल दिया है। तो अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज और टमाटर को इतना नहीं पकाना है, बस खड़ा खड़ा ही रखना है। तो इतना नहीं भूनना है, तो क्योंकि ये मसाला टिंडे मसाला है तो इसमें ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए तड़के का। तो ये देखिए, बस अब मैं इतना ही ये भूनूंगी, क्योंकि इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और टमाटर को भी इतना नहीं मैं मैश करूंगी इसमें, वो भी ऐसे खड़ा खड़ा रखना है, क्योंकि जब तक जो मैंने टिंडों में मसाला डाला हुआ है वो पकेगा तो हमारे जो टमाटर है वो भी साथ में ही पक जाएंगे, क्योंकि मैंने दही भी डाला हुआ है तो उसे भी पकाना ज़रूरी है। बस अब मैं इसमें टिंडे डाल दूंगी और जब तक मसाला पकेगा तो हमारे टमाटर भी पक जाएंगे। तो बहुत बढ़िया ये सब्ज़ी बनती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो गाइस, ये टिंडे मसाला इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना टेस्टी बना था ये। और अब मैं इसे ऐसे ही मिक्स करके ढककर पकाऊंगी धीमी आंच पर, क्योंकि धीमी आंच पर ही सब्ज़ी हमारी पकेगी और अच्छी खुशबू आएगी मसालों की। तेज आंच पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी नहीं पकती है और जो हमारे मसाले होते हैं वो भी अच्छा स्वाद नहीं देते, सड़ जाते हैं। तो ये देखिए, जो मैंने दही डाला हुआ था तो ये वो है। जब इसका ये पानी सूख जाएगा दही का, तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना ज़रूरी है, ताकि जो हमारे मसाले हैं और सब्ज़ी है अच्छी तरह से पक जाए।
और गाइस जो मेरी वीडियो पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है और मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो फुल वॉच करें और जो न्यू आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।